केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कर रही है प्रयास। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सतर्क। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। 12 सांसदों के निलंबन मामले को लेकर राज्यसभा की कार्रवाई आज भी दिन के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में खेल और युवा कार्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता के साथ लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर के इम्फाल में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी स्वयं फुटबॉल के बड़े खिलाड़ी रहे और खेलों के प्रति ये जानकर प्रसन्न भी हुए होंगे कि जिस तरह से माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने टोक्यो ओलंपिक्स में जाने से पहले भी खिलाड़ियों से बातचीत की, उनका मनोबल बढ़ाया, ना केवल ओलंपिक्स बल्कि पैरालंपिक्स में भी आज तक के सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीतने का काम किया है। मैंने कुछ दिन पहले मिशन ओलंपिक कमेटी का गठन कर दिया है ताकि 2024 के ओलंपिक्स की भी हम तैयारी पहले से कर पाए और उसमें भी खिलाड़ियों को उसका बड़े रूप में हिस्सा रखा गया है। जहां तक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की ओर, जब पहले ये कहा था कि पूर्व की सरकारों में लुक ईस्ट की बात चलती थी, हमने एक्ट ईस्ट की बात की है और नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 550 करोड़ रुपए की लागत से वहां बनाने के लिए नींव पत्थर भी रखा। मणिपुर के इम्फाल में ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा संसदीय दल की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को खेलों को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने सूर्य नमस्कार के महत्ता के बारे में बताया। शीतकालीन सत्र का भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री पार्टी का पहला मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अमित शाह जी, पीयूष गोयल जी, ये सब उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे सब संसद के लिए दो तीन अच्छे उन्होंने कॉल दिया है, गिवन ए कॉल। एक तो स्पोर्ट्समैन को इंस्पिरेशन देना भी, एनकरेज करना भी संसदों का काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उप मुख्यमंत्री को अपनी पार्टी में लोगों से बातचीत करने को कहा गया है। राय हो जाएगी और जो कुछ भी हो रहा है उसको बताएंगे और उसका उसको फाइनल करेंगे और पार्टी की एक राय होगी, उसी के आधार पर सरकार उसको निर्णय कर देगी। निर्णय यही पूरी पार्टी को हो जाना चाहिए, ये सबको फायदा होगा। हम लोग जो करेंगे, एक बात आपको बता दें, वो ऐसा करेंगे कि कोई मिस नहीं, बहुत ही ठीक ढंग से कर पाएंगे। आप जानते ही ना है, अब सब कास्ट ही खाली बोलेगा कास्ट नहीं, तो सब कास्ट और कास्ट ये हर तरह से पूरे तौर पर देखना ताकि ठीक ढंग से लेकिन ठीक दे। हमने कहा भी है, बात भी किया है, लेकिन इन सब चीज़ों पर अभी नहीं कुछ करेंगे कि क्या क्या किया जाएगा। सिर्फ मीटिंग हो जाएगी, उसी मीटिंग में कुछ बात। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार भी सतर्क है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। जोखिम वाले देशों से वापस लौटने वाले यात्रियों की सभी हवाई अड्डों पर सघन जांच की जा रही है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी आज दुनिया में क्या स्थिति है, भारत में यदि आए और आने की संभावना बनती है तो हम लोग कैसे बिहार में उसकी तैयारी करें, मतलब उसका जांच कैसे करें, उसके प्रति सजगता कैसे बरतें, लोगों को आने से कैसे रोकें, और यदि कोई आ गया तो उसको कैसे पहचानें, और पॉजिटिव यदि आया तो फिर इलाज कैसे करें। इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो टीकाकरण की स्थिति है, जो जांच की स्थिति है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया, और ये तय हुआ कि जो विदेश से आने वाले लोग हैं, खास करके वैसे देशों से जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल गया है, वैसे देशों से आने वाले लोगों की बहुत ही सघनता के साथ जांच की जाए, सतर्कता रखी जाए। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। बांका में राज्य आपदा मोचन बल SDRF की ओर से 64 लोगों की 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन वरीय उप समाहर्ता शालीग्राम साह और SDRF के निरीक्षक गणेश जी ओझा ने संयुक्त रूप से किया। प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए श्री ओझा ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवक आपदा की घड़ी में लोगों की जान बचा सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक ने बताया कि शिविर में डूबे व्यक्ति के अलावा सर्पदंश की घटना और सड़क दुर्घटना के बाद लोगों की जान बचाने की जानकारी दी गई। जो बताया आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप लोग इसके पहले जानते थे? नहीं जानते थे। यही सब चीज बाबू आप लोगों को सीखना है, लोगों को सिखाना है, यही जागरूकता और मतलब आपदा जो है चली गांव की ओर, यही है आप लोग बचाने। केंद्र की ओर से बड़ी मात्रा में बिहार के भोजपुर के आरा स्टेशन पर DAP और यूरिया की बड़ी खेप आ गई है। इससे किसानों को खाद की प्राप्ति में सहूलियत होगी। जिला प्रशासन ने खाद की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त निर्देश दिए हैं। भोजपुर के जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि 6 दिसंबर से किसानों को यह खाद आसानी से मिलने लगेगा। उन्होंने खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। जिला प्रशासन की तरफ से खाद की कालाबाजारी करने वालों की सूचना देने के लिए मोबाइल नंबर 9334069156 और 8294327654 पर शिकायत की जा सकती, कंप्लेन लिखाई जा सकती है। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों से अपील की गई कि खाद की कालाबाजारी करने वालों की सूचना इन नंबरों पर जरूर दे। सूचना मिलते ही कालाबाजारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि खाद्य की आपूर्ति में केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद कर रही है। ये सही है कि DAP खाद की कमी हो गई है, उस कमी की पूर्ति में केंद्र सरकार भी लगी हुई है। हमें केंद्र सरकार से खाद उपलब्ध होता है, हम संपर्क में हैं और केंद्र सरकार भी प्रयत्नशील है, हमें सहयोग कर रही है और हम समझते हैं कि आगे 3-4 दिनों के अंदर DAP खाद भी सामान्य उपयोग हो जाएगा खरीद करें। देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है बिहार के स्वतंत्रता सेनानी योगेंद्र शुक्ल और जतिन बाघा की कहानी। पानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और पटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी।
कालापानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। क्योंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की। योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया। 1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बाघा जतिन की जयंती भी है। जतेंद्रनाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्हें बाघा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़कर गांव वालों को बचाया था और कटार से बाघ को मार गिराया था। श्री अरबिंदो ने जतिन को सीक्रेट सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया। वो सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से जानी गई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, आमरा मोरबो जगत जागपे, मतलब हम राष्ट्र को जगाने के लिए बलिदान देंगे। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने विदेशी सहायता मांगी। वे बालेश्वर के निकट हथियारों की खेप लेने जा रहे थे, लेकिन इस खेप की भनक एजेंट को मिल गई और अंग्रेजों ने समूह पर हमला कर दिया। जतिन और उनके समूह के सदस्य बहादुरी से लड़े, लेकिन बाघा जतिन इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महान योद्धा बाघा जतिन को हमारी ओर से शत शत नमन। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें सशस्त्र सेना का झंडा लगाया। यह दिवस सेवानिवृत्त सेना के जवानों और उनके परिजनों की सहायता हेतु फंड कलेक्शन के लिए आयोजित किया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर कर रही है प्रयास। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातीय जनगणना के पक्ष में, जल्द होगी सर्वदलीय बैठक। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर राज्य सरकार सतर्क।